हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्का प्लास्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली में आए हुए हैं और दिल्ली में प्लास्ट फोकस का एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड के रिगार्डिंग है। ये देखिए, बैक साइड में आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ द्वारका सेक्टर 25 में आए हुए हैं, यशो भूमि में है, इसका जो है आयोजन किया गया है। तो हम लोग यहाँ आए हैं और सुबह के जो है 10:30-11 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन सा क्या चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आपको आगे दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए, अंदर चल रहे हैं हम लोग। दोस्तों, ये लो हम लोग अंदर कंपाउंड में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए सब बैनर लगा हुआ है हर कंपनियों का। और ये यशो भूमि नया बनाया गया है, मोदी जी ने बनवाया है इसको, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा भूमि यहाँ पे, मतलब स्पेस है। हम लोग लास्ट टाइम जो है प्रगति मैदान में आए हुए थे तो उससे भी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए लोकेशन, देखिए दोस्तों आगे जो है लगा हुआ है, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है प्लास्ट फोकस का। तो यहाँ पे गेट नंबर 2 से हम लोग को एंटर करना है। देखिए दोस्तों, हम लोग गेट नंबर 2 के पास पहुँच चुके हैं। ये बैनर भी लगा हुआ है। इधर देखिए हॉल नंबर 1 है और आगे हॉल नंबर 2 में हम लोग को पहले जाना है। इसके लिए स्कैन वाला आ गया। ये देखिए एंट्रेंस है, प्रदर्शनी हॉल लिखा है, एग्जीबिशन हॉल। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। देखिए ये हम लोग अंदर एंटर कर गए हैं, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ये देखिए ये सब सारे यहाँ जो है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। तो अभी हम लोग हॉल नंबर 2 में चलेंगे। इधर भी देखिए सारा बहुत अच्छा खूबसूरत जो है एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए इधर आगे जो है लिखा हुआ वेलकम टू प्लास्ट फोकस 2024, हॉल नंबर 1 है ये। आइए यहाँ पे पहले हम लोग विजिटर कार्ड बनवाते हैं। हालांकि मैंने पहले से प्री रजिस्टर कर दिया था, उसका प्रिंट आउट जो है बाहर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ विजिटर कार्ड मिलेगा। फ्रेंड देखिए, हम दोनों का जो है विजिटर बैच मिल गया है। ये है, ये जो है ये मेरा नाम इसमें दिया है, ML विश्वकर्मा अनुष्का प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं प्रवीण सिंह, इनका भी मिल गया है। अब हम लोग जो इसको पहन के अंदर जाएंगे। आइए दोस्तों, फिर अंदर का नज़ारा देखते हैं। As the machinery manufacturers innovate, they are a celebration of technology and a testament to the shared commitment to drive our industry forward. The journey of Plast Focus 2024 has So
दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं एक एक वीडियो को एक एक मशीनों को जो है आप तक पहुंचाऊंगा और दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनियां जो है यहाँ पे आई हुई हैं। तो बने रहिए वीडियो तक, और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कोई एक भी मशीन या टेक्नोलॉजी की चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो है छूटे ना। तो देखिए यहाँ पे वीर प्लास्टिक का लगा हुआ है स्टॉल, और सारा सी जर्मन इंडस्ट्रीज है, बाकी जो है यहाँ पे नमन इंटरप्राइजेज का है, ये सब मशीनें लगी हुई हैं। अभी मैं पहले प्लास्टिक मशीनों पर ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके बाद जो है अदर ब्रांड अदर सेगमेंट में जाऊँगा। पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें कहाँ लगी हुई हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए बॉस, चलते चलते जो है आगे हॉल नंबर 2 वह दिख रहा है राइट साइड में, वेलकम टू क्लास फोकस 2024 हॉल नंबर 2। तो इसमें हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। भी देखिए विजिटिंग बैच बन रहा है, विजिटर बैच, और जो है इधर से हम लोग एंटर करेंगे। इधर भी देखिए सारा कुछ है, और ये देखिए बहुत बढ़िया यहाँ का जो है कैंपस बनाया गया है, हॉल बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ऊँचा, एक 100 फीट से ज़्यादा ऊँचा है और काफ़ी खूबसूरत है। अब ये देखिए हॉल नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग एंटर करेंगे। ये हम लोग इसके अंदर घुस चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं, और ये नज़ारा है देखिए, यहाँ पे सारे जो है प्लास्टिक मशीनें लगी हुई हैं। पहला लगा हुआ एडवांस प्लास्टिक मशीनरी, ये जो है सेकंड हैंड मशीनों को जो है रिन्यूअल करके, रेट्रोफिटेड करके ये लोग जो है सेल करते हैं, ये इम्पोर्टेड मशीनें जो है सेल करते हैं। तो ये एडवांस ग्रुप है, ये इनको हम जानते हैं एडवांस प्लास्टिक मशीनरी को। तो ये लोग भी काफ़ी अच्छा मशीनें देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और उधर देखिए सामने जो है वो नीलगिरी का नीलगिरी मोल्ड है, नीलगिरी मशीनरी है यहाँ पे सामने। और इधर ओसवाल केबल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और आगे जो है देखिए मिलिक्रॉन का है मशीनरी, और सिब्रोरा मशीन है, ये जापान का है, ये टोशिबा का ही है ब्रांड। तो ये देखिए ये मशीन जो लगा हुआ है निसेई का है, और ये जो है फर्स्ट हैंड नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है ये सेकंड हैंड है। और ये देखिए इसमें रैम सिस्टम दिया हुआ है, ये टॉगल सिस्टम नहीं है, इसमें रैम सिस्टम दिया हुआ है। तो देखिए ये एडवांस ग्रुप का जो है हमने अभी मशीन जो दिखाया उसका, वो बड़ा भी मशीन है, ये हमको लग रहा है 600 टन की मशीन है पीछे, और ये जो है 100 टन की मशीन है। देखिए यहाँ पे 100 टन दिया हुआ है, और ये देखिए इसमें टॉगल सिस्टम दिया हुआ है, और काफ़ी हैवी टॉगल है, देख के ही लग रहा है कि काफ़ी हैवी है। और इसमें देखिए इसका दिया हुआ है सिस्कॉम का 800 जो है PLC लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए हॉपर है, ड्रायर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एडवांस के बाद आते हैं, देखिए नेक्स्ट लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिका, इलेक्ट्रॉनिका कंपनी की ये जो है स्टॉल लगा हुआ है, ये मशीनें हैं, और इलेक्ट्रॉनिका जो है काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, ये भी जापान की कंपनी है। तो इसकी भी मशीन को आइए हम लोग देखते हैं, आइए वीडियो दिखाते हैं। काफ़ी हैवी मशीन है ये, हमको लग रहा है कितने 350 टन की ये मशीन है। देखिए दोस्तों प्लेटिना 350 टन है ना, बराबर। और इसमें मैक्सिमम मोल्ड हाइट जो है 850 mm के मोल्ड लगेगा, 850 बराबर बराबर। तो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉनिका का मशीन माना जाता है सर, तो इस तरीके का मशीन का रिक्वायरमेंट हो उसको कॉन्टेक्ट करिए। ये देखिए इस मशीन का ये फुली क्लोज लूप है, मोल्ड ऑप्शन जो क्लोज लूप है, इसकी जो सिस्टम्स है जी नॉट से नॉट ही लॉक करता है, वहाँ पे सभी सिलेंडर लगा हुआ है। ओके हाँ वो पूरा लॉक कर लेता है, बराबर। इसको जरा खोल सकते हैं क्या, ओपन
तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का दिया हुआ है। इसमें जो इस गियर पे जो लॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, तो मोल्ड ओपन नहीं होता है। जब पीस ये भरेगा, इंजेक्शन करेगा, तो ये लॉक जो हो जाता है तो फ्लैश आने का चांसेस कम रहता है और काफ़ी कम स्पेस लेता है, जिसकी वजह से जो है स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करना पड़ता है। इसमें मोल्ड भी लगा हुआ है गमले का, तो बाल्टी का है, बकेट है ये 15 लीटर बकेट का है। अच्छा, बकेट का। इसमें PLC कौन सा है सर? ये PLC आपका LNC कंट्रोलर है। LNC 15 इंच का है ये। ओके और टच स्क्रीन भी है इसमें। देखिए टच स्क्रीन भी है, साथ में आप विद बटन भी यूज कर सकते हैं। दोनों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी इजी होता है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मास्टर बैच, कॉर्टसी है रैम्बो। संजय जी, ये 2821 का क्या है? ये इंजेक्शन यूनिट की नंबर है, इंजेक्शन यूनिट है। वैसे इसकी जो शॉर्ट कैपेसिटी है 1523 ग्राम की है, 1523 शॉर्ट वेट है, 1.5 किलो के ऊपर है। अच्छा जी। और इसका स्पेशल ये है, देखो जो LN गाइड का है। ये कौन सा गाइड बोलते हैं आप लोग? LN गाइड दिया हुआ है। LM गाइड, LM प्लस सब लोग खाली इसी को ही देते हैं, लेकिन इसमें हाई एक्यूरेसी, पोजीशन स्टेबल बराबर, पावर कंजप्शन कम, ये उसके लिए। तो ये पावर गाइड काफ़ी अच्छा करता है, जिससे कि मोल्ड की लाइफ बनी रहती है, पोजीशन जो है अच्छा मिलता है। स्पेशल है पावर कंजप्शन, लोड नहीं रहता है। अच्छा, लोड नहीं, कंजप्शन बहुत कम रहेगी। इसमें कितना टोटल लोड कंजप्शन रिक्वायरमेंट होता है? इसमें आपको मान के चलिए सर 40 किलोवाट। ओके तो इसमें 40 किलोवाट का लोड चाहिए मिनिमम। और इसका क्या कॉस्ट लगभग आएगा? ये 68 लाख की ये मशीन है सर। सर बता रहे हैं 68 लाख, और प्लस मोल्ड का अलग से होता है चार्ज। और जो ऑक्सिलरी जो है सो अलग। ये तो हाइड्रोलिक तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल है? नहीं, हाइड्रोलिक से, हाइड्रोलिक है, क्लोज लूप है। ओके ये हाइड्रोलिक है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये मशीन देखकर दोस्तों। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे संजय सर से मिल सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के नीचे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप बेहिचक इनसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू संजय जी। तो देखिए सर, इसमें ये टॉगल सिस्टम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिका का, ये भी वेंचुरा मॉडल सीरीज है। IML इन मोल्ड लेवलिंग, IML IML जो अपने जो स्टिकर है उसमें स्टिकर लेकर आएगा, इसमें अंदर डालेगा, स्टैटिक एनर्जी क्रिएट होता है, इसमें पकड़ लेता है स्टैटिक एनर्जी, खींच लेता है मोल्ड। अपने के बाद ये प्रोडक्ट आ जाता है, ये आपकी जो सर इसमें ये कप, आइस कप। ये देखिए दोस्तों, ये आइस कप जो है यहाँ पे बन रहा है। और ये देखिए, और ये प्रिंटेड है, जिसके जैसे नाम भी चाहिए, जो भी आपको नाम लिखवाना हो वो आपका डिजाइन बन जाएगा एक बार। तो उसके बाद जो है इसको आप अपने नेम से प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन है, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। पर मिनट कितना ये शॉट मारता है? पर मिनट में आपका 4-5 शॉट, 4-5 शॉट ये आपका ले लेगा। ये 4 कैविटी का जो है मोल्ड लगा हुआ है दोस्तों, देखिए वेंचुरा मॉडल है, 200 टन है। इसका टॉगल सिस्टम आपको दिखाते हैं, 10 राजा जी वोल्टेज का, इसमें वोल्टेज चेक करिए। ये हॉपर लगा हुआ है ड्राई वाटर, और देखिए इसमें जो है ऑटो रोबोट सिस्टम लगा हुआ है। ये जो है ग्लास को जो है मोल्ड से बाहर निकाल ले रहा है, और मोल्ड को इंसर्ट भी कर रहा है, स्टिकर लगा के जो है अंदर जो है इंसर्ट कर रहा है। जो इसमें जो स्टिकर लेबलिंग कर रहा है, लेबलिंग के बाद जो है अंदर
मोल्ड के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। ये देखिए, इसमें जो मशीन में निकल रहा था प्रोडक्ट वो यही था। ये बकेट है, 15 लीटर के आसपास है, फर्स्ट क्वालिटी का है। अभी इसको रीफिनिश किया जाएगा, इसको जो फ्लैश फ्लैश है उसको निकाला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बोले इंटेलिजेंट मशीनरी है। ये भी मशीन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इंपोर्टेड टाइप का दिख रहा है। इसमें देखिए, यहाँ पे 100 टन की मशीन लगी हुई हमको लगता है। सर, ये कितने टन की मशीन है? अच्छा जी। और ये देखिए, अंदर जो है ये फंक्शन चल रहा है, ये टॉगल सिस्टम है। तो देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लगा हुआ है। जी, ये देखिए, इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, बोले ज्वाइन अस, वी वांट यू, सारा कुछ दिया हुआ है। जी, क्या है आपकी मशीन में सर? सर, हमारा मशीन 4 प्लेटन मशीन है। 4 प्लेटन, ओके ओके। ये देखिए, दिया हुआ है सर 4 प्लेटन, 1 2 3 4। जिसे क्या है कि क्लैंपिंग फोर्स इक्वल ही आएगा और फ्लैश आने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे, जिससे क्या इंजेक्शन भी प्रॉपरली होगा। बराबर, क्लैंपिंग नहीं। काफ़ी अच्छा लगा, ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी लगी। तो अगला वीडियो जो है ये सोनल ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज का है। इसमें मशीन लगा हुआ है, यूरो टेक करके दिया हुआ है। ये भी देखिए, टॉगल सिस्टम है। और इस मशीन में ये देखिए, टॉगल सिस्टम लगा हुआ है। और इसका जो है मशीन, इनका भी अच्छा ही दिख रहा है। बाकी ये देखिए, ये अभी ये मशीन चालू नहीं हुआ है, भाई साहब लग रहा है चालू करने के चक्कर में है। और बाकी ठीक है, अभी चालू होता है तब देखते हैं। इसमें देखिए, अल्टीमा का जो है मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन का जो है लगा हुआ है स्टॉल। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो है यहाँ पे मोल्ड बनाया जाता है। और ये कंपनियाँ जो हैं ये इस तरीके का मोल्ड बनाती हैं। तो ये सबका सैंपल लगा हुआ है। तो मोल्ड वोल्ड लगाना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अल्टीमा अल्ट्रा मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दिया हुआ है। इस तरीके का ये लोग मोल्ड बनाते हैं। ये 150 टन का मशीन है, ये ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिक है, टोटल इलेक्ट्रिक। इसमें टेम्परेचर अभी आ रहा है। ये देखिए, चाय पानी का भी व्यवस्था है यहाँ पे, नाश्ता पानी भी कर सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, यहाँ का सबसे छोटा मशीन ये नीलगिरी का दिख रहा है, ये 50 टन का है। और ये भी बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत और अच्छा देखने में, काफ़ी अच्छा लुक वाइज लग रहा है।
इसमें देखिए छोटा सा मोल्ड लगा हुआ है और टॉगल सिस्टम है ये भी। ये 130 टन का मशीन लगा हुआ है, डबल कलर डीसी है। तो दोस्तों देखिए डबल कलर की मशीन है, डीसी बोलते हैं डबल कलर। इसमें जो है दो कलर में जो भी प्रोडक्ट आर्टिकल टब है, बाल्टी है, मग्गा है, तो इस तरीके का कोई आइटम निकालना है तो इस मशीन से निकाला जाता है। ये 130 टन का है, तो इससे बड़ी भी मशीनें आती हैं, ये 30 टन है, 130 टन। देख सकते हो ये मेरे हाइट से कितना ऊंचा है, तकरीबन ये 15 फीट ऊंचा है। इसके आगे तो मैं अभी बहुत छोटा दिख रहा हूँ। फूड कंटेनर है ये, 500 ml कैपेसिटी का है और ये रैंडम मटेरियल में, पीपी मटेरियल में निकल रहा है और ये हॉट रनर मोल्ड है। साथ में यहाँ पर ग्राइंडर भी दिया हुआ है देखिए, रिसाइकल करने के लिए। ये कंटेनर है, कंटेनर बॉक्स है। फोटो लेना है ना। कार का जो है ढक्कन है ऊपर खिलौने का, हाँ रोबोट से निकलेगा ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है एग्जीबिशन देखने के बाद जो है मेट्रो ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और हम लोग ये जो है
वापस जा रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं और इनका भी चैनल जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल जरूर देखिए, अवितेज फन वर्क अनुष्का प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जरूर देखिएगा, चैनल जरूर देखिएगा। और हमारा मोबाइल से लेकर काम है, मोबाइल से लेकर काम में फोल्डर चाहिए तो लीजिए जरूर हमसे, अवितेज फन वर्क ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। हाँ फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने जो है एग्जीबिशन को जो है देख लिया है और उसके बाद जो है हम लोग शाम को 6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घर को। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्लास्टिक की मशीनों में क्या क्या कंपनियों का जो है स्टॉल लगा हुआ था, तो इस तरीके का स्टॉल पे कौन कौन सी कंपनियाँ थे हमारी वीडियो में देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग जो है शाम हो गया है, बंद हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल पे। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।